अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अदबी बैठक और मेज़बान शमीम अंसारी तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाजरीन, साडी अदबी बैठक दे हमेशा दी कार जबरदस्त बड़े निशाबुर बड़े खूबसूरत मेहमान अदबी शख्सियात हिम सेब दी सुनजान हिम सेब दा माण साडी बैठक विच तशरीफ घेंदा है और इन्हां दे नाल गाल मुहाड़ करेने हैं। मेरी पहली मेहमान सहर सियाल शायरा हैं, रेडियो अनाउंसर हैं, कंपेयर हैं और माशाल्लाह रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। इन्हां दीआं दो किताबां छप चुके हैं, एक सराइकी दी किताब त्रामे दा शहर और उर्दू दी किताब आंखें खुशबू और ख्वाब। क्या खूबसूरत टाइटल है जरा। इन्हें तो गाल करेसूँ सहर दे नाल और माशाल्लाह अज सोहणे लगदे पिओ सहर लगदे पिओ। नाल तशरीफ फरमाएं मलिक मुमताज जाहिर साहब, सही क्या हाल है, ठीक ठाक हो तुसा? शुक्र है, तबीयत से ठीक है जी। आया को आख सा अपने प्रोग्राम में तुहाडा आवणा साडी से रखी दे। शुक्र है। नाजरीन, मलिक मुमताज जाहिर साहब ड्रामा निगार हैं, ड्रामा लिखारी बड़े ज़बरदस्त और ढेर सारे सराइकी ड्रामे PTV लाहौर तो इन्हों के नशर थी चुके हैं और अज भी ड्रामे तो बड़ा खूबसूरत काम करेंगे पेन, बड़ा सोहना लिखेंदे पेन। सराइकी ड्रामा इन्हों का कटमाला जेको PTV अवार्ड भी मिल चुके। ये तो इलावा शायर हैं और शायरी दियाँ भी ढेर सारिया किताबा हैं। इन्हों दी शायरी तो गल करे सूँ सराइकी अदब के हवाले नाल, नाल तशरीफ फरमा हैं दिलकश इमामवी साहब। नाजरीन, दिलकश इमामवी साहब का जिमें ना दिलकश है इवें इन्हों की शख्सियत भी दिलकश है। वही वास्ते कि आप जनाब शायरी शायर तो हैं बड़े ज़बरदस्त, लेकिन गुलूकार भी हैं और नात खान भी हैं। अपनी शायरी आप करें देन लिखें देन और बड़े अच्छे तरन्नुम दे अंदाज चुकू थोड़े सामने पेश करे सन जी। दिलकश इमामी साहब जी, आया को आख सामने प्रोग्राम में थोड़ा आमना से रखी थे थोड़े आमना लिए किताबा इलहामाते दिलकश, तफक्कुराते दिलकश और तखयुलाते दिलकश जी। इन्हें कम थी पे आमना लिए जी। साहर क्या हाल है, ठीक ठाक हो? किवें लगी पी साडी अद्धी बैठक? अच्छा सहर तो सब माशाल्लाह काम किते सराइकी शायरी च भी और उर्दू च भी, सराइकी अदब च और उर्दू अदब च तो को तजर्बा जड़ा या कंबीनेशन आ गिनो कीवे सोहना तजर्बा या जड़ा तुहाडा अपना दिल पसंद तजर्बा उंदे च ज्यादा थे या उर्दू? मेरा पहली दफा कलाम जड़ा है ओ सराइकी शायरी बिच आया। और अच्छा ए माजरत ना, तुसा चाह भी नाल पीवणी है, बिस्किट भी खावणे और चिप्स भी पई ठंडी थी वैसे, पहले तो मैं कुछ चाह पानी पूछना चाहिए कि अपने मेहमान मेरी बैठे के चाय। थैंक यू, बस सब नाल चलता पे। अच्छा क्या दी पिया? हाँ जी, आदि पिया मैं कि पहली मेरी शायरी की जी बुक आई है वह है त्रामे दा शहर, तो माँ बोली है पहला हक। मैं समझती हाँ कि बड़ी सोहनी गल की माँ बोली दी, हाँ कि पहला हक मेरी अपनी जुबान का आई वल थोड़ा जहा इवें दिल आख्या कि उर्दू विच भी थोड़ी जी तबाजमाई की वजे सही। तो दूजी किताब जी मेरी आंखें खुशबू ख्वाब वो उर्दू पोइट्री की आई, लेकिन जेडे वेले उर्दू पोइट्री की बुक आई तो मैं महसूस किया कि मेरे को मतलब अपनी जी सारी सराइकी जुबान है हूँ दे नाल ही वाबस्तगी जेड़ी है हूँ को मुस्तकिल रखना चाहिदा है। यानी कि तुसा अपनी माँ बोली च अपना काम ज्यादा ज्यादा खूबसूरत ओ एक बुक आई है, लेकिन उदे बाद दोबारा मैं वापस आ गई अपनी सराइकी दे पासे माँ बोली दे पासे अपनी घर वापस आ गए इंदा। हाँ जी बिल्कुल, ओ सवेर दा भुला दिन शाम को आवंजे तो को भुला नहीं आदे, लिहाजा मैं वापस आ गई वल्दी सराइकी पोएट्री वाले पासे। सही। अच्छा मुमताज सर तुहाडे वाले पासे आसा, कटमाला थोड़ा सराइकी ड्रामा PTV अवार्ड भी हुकुम मिले, तो अजकल भी ड्रामे तो कम थी पे ज़्यादा या शेरो शायरी का? क्योंकि तुसा अपने हयाती दा फनी सफर दा आगाज मेरा ख्याल है शेरो शायरी तो किया ही, वल तुसा ड्रामे वाले पासे आ गए तो शेरो शायरी तो वल एक दम ड्रामे ते किवें ख्याल आ गया? तो आपने चल पे आपने चल सुनगे ठीक है। अच्छा हुन मैं ड्रामा रिकॉर्ड सुनने वाला है PTV मुल्तान जी
क्या तो तुसा समझ दियो के तोड़ा जड़ा मकसद है सराइकी ड्रामा लिखन वो पूरा थींदा पे बिल्कुल सही हां बिल्कुल बिल्कुल इंदा क्या सराइकी अदब विच क्या है ना मुस्तकबिल नजर दे तो आपको हां बिल्कुल साफ अच्छी गल आना के बिल्कुल साफ नजर दे पे अच्छा तुसा पूरी उम्मीद नहीं माशाल्लाह तोड़ा काम ही बड़ा बाकमाल है अल्लाह का मेहरबानी दोस्तों दुआएं जी हां दिलकश इमामी साहब माशाल्लाह तुसा शायर भी हो गुलकार भी हो नात खान भी हो मैं सोचे नहीं बैठी हाँ कि मैं क्या आखा पहले कि गल शुरू करा तुसा आप ही क्या आखना चाहते फनकार हो गए शायर हो गए बचपन तो खुदा दी इनायत होंगी जी करम होंगे इनाम होंगे मैं शायर भी हाँ गुलकार भी हाँ और नात खान भी हाँ बीबीसी बहावलपुर तू सारा कुछ मैं अप्रूव हाँ उठा नात खान भी शायर भी गुलकार भी और मेरा एक मशहूर गीत है तुसा सुनाओ सी सारे नाल भूरा लाल खेलते हैं लोक गीत बना दिता लेकिन इस्तगासा कर दिता अच्छा डायरेक्टर शहादतां दित्तियां रिकॉर्ड पेश ते उन्होंने तस्लीम किया कि इंदा कलाम है सब नकाल है नहीं कापी करन दे ते बीबी अलहम्दुलिल्लाह शुक्र उन जात दा कि रात नी प्रोग्राम होंदे रात नी प्रोग्राम ते चलदे रहे ने अलहम्दुलिल्लाह शुक्र अच्छा थोड़े जड़े आवन वाली किताबें हैं इल्हामात दिलकश तखय्युलात दिलकश तफक्कुरात दिलकश जी सारे नाल तुसा अपने दा तखल्लुसी अपने नाम दा ज्यादा इस्तेमाल कीते जी दिलकश दा इमाम भी दिलकश इमाम भी मेरी निस्बत है ठीक है इल्हामात में ज्यादा गल करे सा के विच क्या नातिया कलाम होसी हो नातिया कलाम हां नातिया कलाम और तफक्कुरात तफक्कुरात मुआशरा होसी ठीक है मुआशरा ते लिखे ओ नसर निगारी भी आख सकदे हो हां नसर का नाम होसी सारे नज़्मा होसी नज़्मा होसी नु बिल्कुल और तखय्युलात दिलकश है तखय्यु इश्क जंगाली होसी अच्छा ओ भी शेर व शायरी दी सूरत है ठीक है शेर व शायरी दी हिज्र होसी बड़ी खुशी कोई त्रीमत काम करे आबजादी तौर माशाल्लाह चलो उर्दू बहुत सारे ढेर सारे नाम लेकिन सराइकी त्रीमतियां जो काम करे क्या समझते हो कि उन्होंने मुस्तकबिल क्या है औरत ने अपना कथारसिस करन कीते जेड़ा सफ़र कीते तो सही मायने च उन्हें सफ़र कीते सही जड़न भी उन्हें कुछ आखे अपने अंदर दा कुछ भी तखलीक कीते उकु कथारसिस आ सकते हैं कि उन्हें बयान कीते तो पिछू ये आवाज़ है ये कि जनाब पिछू कोई बिया है सही मतलब उन्दा अपनी उन्दी अपनी तखलीक को सही यो नहीं कीता गया कि उत्था भी एतबार नहीं कीता गया सही ते औरत मतलब थोड़ा जिहा शायरी दे हवाले नाल इंदा यो करे सा कि सावां कूं असां नाल सावां दे सींदे पे हैं वाह वाह सावां कूं असां नाल सावां दे सींदे पे हैं जे वत इहो जीवन है असां जींदे पे हैं जींदे पे वाह वाह माँ ने आख्या दीदी डोली हिको वार ही वैसी वत क्यों असा रोज दुखा नल पर नींदे पे हैं मैं तो औरत को इतना ही दे दिया कि जितना वो पहले खड़ी है उन्दो ते आज भी उमे जबर थींदा पे उन्दा आज भी इस तहसाल थींदा पे वो आज भी आजाद कहनी जेड़े वेले वो कोई गाल करें दी अपनी पसंद दी कोई या करें दी तो कु बागी आख्या वेंदे कु मन्या नहीं वेंदा कु मन्या नहीं वेंदा कु बागी आख्या वेंदे कु एक वो लाइन तो काट दिता वेंदे और अलहदा एक कटहरे वेच कु खड़ा कर दिता वेंदे सही ता उथा ही खड़ी है आज भी उथा ही खड़ी है तुस आजकल क्या लिखेंदे पे ज्यादा मतलब मैं बस थोड़े जे सराई को आख सकदे वे छोटे छोटे नज़्मा और गज़ल
मैं हमेशा इो ही आखी और इवें ही लत्ते टुरदी पई हाँ। अच्छा मुमताज जाय सर गाली तो थींदड़ आसन मैं आधी को कोई शेर शायरी भी थी वजे ताकि थोड़ी जी चस आ वे साड़ी जी गाल मोहर थी पी है ना अद भी थोड़ा जो माहौल को तब्दील करें शायरी खुदा दा बंदा न छोड़ हिम्मत कदहीं तो दुख दे पिछाम ढलसन सही तू गम दे हंझू लुका ते रखता खुशी दे मोती ए बन निकलसन वाह वाह ए जग त देह दे तमाशा तेरा तू जितना रोसी ए जो रोवेसी वाह ए जग त देह दे तमाशा तेरा तू जितना रोसी ए जो रोवेसी तू डेड़ी जावन सुने से दुखड़े उथों मजाकां दे तीर चरसन खुदा दा बंदा न छोड़ हिम्मत कदहीं तो दुख दे पिछाम ढल करम दी जैनी भी बदली वस पई तू वल चमन दी बहार देखी करम दी जैनी भी बदली वस पई तू वल चमन दी बहार देखी कुमान गाशां दी वें दे रासी ते मूर खुशियां दे लगत फलसन खुदा दा बंदा न छोड़ हिम्मत कदहीं तो दुख दे पिछाम ढलसन कदहीं तो निंदरों सुजाक थीसी नसीब सुते दी तांग रखबे कदहीं तो निंदरों सुजाक थीसी नसीब सुते दी तांग रखबे खुशी दे जहरे निहारे रसगन कदहीं तो टुर फिर ते आन वलसन खुदा दा बंदा न छोड़ हिम्मत कदहीं तो दुख दे पिछाम ढलसन ओ बेवफा है तो क्या है जाहिद हे रब दे दर ते उम्मीद में कूं ओ बेवफा है तो क्या है जाहिद हे रब दे दर ते उम्मीद में कूं जफा दे सीने दे जफा दे पुतले दे सीने दे विच जफा दे पुतले दे सीने दे विच वफा दे दीवे जरूर बलसन खुदा दा बंदा न छोड़ हिम्मत ਕਦਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿਛਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰੀਮਦੀਆਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਇਸਤੇਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਦਾ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰੀਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ? ਮੇਰਾ ਮੋਜ਼ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇਹੋ ਮੋਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ अगर दिहात विच औरत है तो उन्हें बहर बन के अपने खेतों विच फसलों विच बन के अपनी मर्द दे अपने घर वालों की बाह बेली बनिए उत्थां भी उको मतलब है। और अगर उन्हें पढ़ लिख के शहर विच दफ्तर विच आन के काम किए तो वल भी उको ऊ नजर नाल नीठा गया ओ तो औरत दी इज्जत उंदी औरत ने बहर भी काम किए मर्द नाल घर दे भी हाल उन्हें काम किए उन्हें बालक संभाले घरदारी पूरी करे और मर्द ना कम कर खे तो जी। दिलकश साहब तुसा क्या मकसद साहब जड़ी गल करे सही करन दे पे मैं इत्तेफाक करना बीबी ना जो कुछ उन्होंने आख्या जी औरत तुस अपनी शेर व शायरी च ही गल को महसूस करें दे यही वाले नाल। हां शेर व शायरी तो मैं कहानी लिखा है معاشرے تے لیکن اسا محسوس تے کرنے ہیں چیز کو جو بھی عورت دا مقام جڑا مرد دا مقام ہے او کو نہیں دتا ویندا او برابر ہے صحیح ہاں عورت پچھوں ہے۔ اچھا میں تریاں نال سوال کرے سا ماں بولی تسا سر پہلے گل شروع کی تھی کہ ماں بولی جڑی ہندی ہوندی بہو اہمیت ہوندی ہے تسا اردو تے لکھے لیکن والدہ تسا واپس آ کے اپنی سرائی کیتے تے اج اگر اسا دے دے اپنے گھر آئے چ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੀਂਦੀਆਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਣ ਕੇ ਚੂੰਕਿ ਬਾਲ ਕੋ
स्कूल विच मतलब उर्दू बोलनी उकू इंग्लिश बोलनी है उन्हें जमाने का थोड़ा जिहा मुकाबला करने कंपीट करने अपने आप को लेवल तक खेनावने जिमें कि दुनिया विच है तो उत्थां एक बाल जेड़ा है जेड़े ले सराइकी टोटल बुलेंदे ता पहले लेवल ते जेड़े ले प्राइमरी एज स्कूल वेंदे ता ओ थोड़ा जिहा उंदा मजाक उड़ाया वेंदे जेड़े बे थोड़े जे बिल्कुल मजाक उड़े वजह तो शायद मामा शुदे डरदे कि अच्छा सारे बाल को कोई दिक्कत पेश ना आवे कि थे कंपलेक्स था शिकार ना कि थे एहसास कमतरी मतलब महसूस न करे तो जिवें एक ट्रैक वेंदा पे उंदे उत्ते इको भी चलो टुरा दे मेरे ख्याल तो इो ही मतलब इन कोई ज्यादा योग है नहीं घर में जेडे लिए बोली वेंदी है मतलब ना भी बेशक उंदे नाल स्पेशली ना भी बोलो ਉਹ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਆਪੋ ਆਪ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਣ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਚਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਤ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਕਿਤੇ ਬੂਕ ਪਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਜਦਨ ਦਾ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ થઈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਵਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਸਾਉ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਵਜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖਾਤੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤਕਸੀਮ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਪਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਜਾ ਦੇ ਪੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਵਾਲੋ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲੱਗ ਵੀ ਉਹ ਕੁਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਫਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆ ਬਾਲੇ ਕੋ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਆਲ ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੰਦ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਤੂਨ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨਰਸ ਦਿਓ ਅੱਛੇ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਸਿਖਾਓ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਫੀਲ ਕਰੂੰ ਔਰ ਉਥਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਂਗੀ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹ ਮੁੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਲੜੀ ਇਹੋ ਪੁਨਾ ਲੰਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਵਾਲਣੀ ਵਾਹ ਇਹ ਜੀਵਣ ਹੈ ਕਿਆ ਜੀਵਣ ਬਿਨ ਸਜਣਾ ਔਖਾ ਥੀਵਣ ਤੋਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਜਨੀ ਗਲੜੀ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਲੜੀ ਇਹੋ ਪੁਨਾ ਲੰਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਵਾਲਣੀ ਇਵੇਂ ਆਸ਼ਕ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਗਨ ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ਕਰੰਗ ਸੁਕਾਗਨ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਠੜੀ ਖਾਲੜੀ ਵਾਹ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਲੜੀ ਹਿੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੰਥ ਬਹੁ ਔਖੇ ਇਵੇਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੌਖੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਢਾਲੜੀ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਲੜੀ ਦੱਸ ਕਿਆ ਪਾਤਾ ਹੈ ਢਿਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਯਾਰ ਵਨਾਇਓ ਖਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਹੁਣ ਇਤਕਿਰ ਪਾਲੜੀ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਲੜੀ ਇਹੋ ਪੁਨਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਵਾਲੜੀ ਤੋਣੇ ਆਮਨ ਜੱਖੜ ਹਵਾਈ ਤੋਣੇ ਖਾਮਨ ਮਾਸ ਬਲਾਈ ਬਦ ਕਮਰ ਨਾ ਅਸਲੂ ਟਾਲੜੀ ਇਹੋ ਪੁਨਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਵਾਲੜੀ ਹੁਣ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣ ਨਾ ਭੋਲੀ ਜੁਲ ਯਾਰ ਸੁਮਾ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਨ ਹੂੰ ਹਿਤ ਦਾ ਦਰ ਮਾਲੜੀ ਉੱਠੀ ਸੱਸੀਏ ਭੱਜ ਪਏ ਥਾਲੜੀ ਇਹੋ ਪੁਨਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਵਾਲੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇ ਸਰੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਦਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਦਨ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਆਦਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਆਦਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ 5 ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਬੋਲੀਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੇ ਨੇ
इन नाता भी कहने इन गीत काफिया गजलां बाहर गुलावट है मिठास है बेशक साहर मैं आखसा के वेंदे वेंदे कोई अपनी शायरी अनायत करे सो केंदे हथ विच डोर हे साइयां केंदी छिक ते नचदे खड़े वाह भावे आप त नहीं से चंद्रे वाह 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 गाल इतनी है वाह इस सारा अजाब जी अपने गले च आप पाते आप वाह वाह बहुत छे साहर बहुत छे ऐसा ही कोई पैगाम कोई भी सोहनी गाल असड़े नाजरीन किते मेरा पैगाम यो है पैगाम है मोहब्बत वाह ये तो बहुत सोहना पैगाम आलमगीर पे जी दिल के से मैं भी ये अर्ज करे सा शौरा इकराम जी जी लिखा रहा हूं भी ओ बे दी नकल न करे बस मेरा यही हो पैगाम अच्छा हां कोई लोग शोहरत दिखाते बे दा कलाम को अपना बना देते पढ़ दें बड़ा एक अजाब थी सी अगले जहान दे विच इन वास्ते ओ ए काम ना करें सही हां खुदा देवे तो अपनी देवे कलाम दिल दुख दे आले कलाम शायर जे दा कलाम चोरी किताब में दे उंदा बड़ा दिल दुख दे तो और इन दा अजाब है अगले जहान भी चोर दा अजाब थी सी सही इन वास्ते मैं ए पैगाम दे सान के भई ए शायरी औलाद मंगो प्यारी बिल्कुल इन दे नाल में शुक्रिया अदा करे सा सहर से अल थोड़ा मलिक मुमताज जाहिर साहब थोड़ा और दिलकश इमाम भी साहब थोड़ा बड़ी मेहरबानी हो शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू नाजरीन अज की अदबी बैठक और साढ़े मेहमान इन्हों की गल मुहाड़ इन्हों की गुफ्तगु और इन्हों शख्सियत इन्हों का फनी सफ़र तुसा दिखे कि ये अहले किरदार लोग अहले कलम लोग साढ़े वसेब का असासा हैं कीमती असासा हैं सब को इन्हों फ़खर करना चाहिए इन ही शमीम अंसारी को इजाज़त दियो अल्लाह की अमानत।